दान वही सार्थक होता है जो किसी के काम आ जाए, और ऐसा दान जो किसी का जीवन बचा सके वह तो महादान की श्रेणी में आता है। इसी की पहल करते हुए इंदौर शहर की प्रमुख संस्था ओरेन ब्यूटी इंस्टीट्यूट के सभागृह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में 111 लोगों ने रक्तदान किया। इंदौर शहर के भरकुआ क्षेत्र स्थित ओरेन ब्यूटी इंस्टीट्यूट में यूं तो अनेक सामाजिक और शैक्षणिक आयोजन किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार संस्था के द्वारा एक अनूठा आयोजन किया गया। ओरेन ब्यूटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऋतु अग्रवाल ने बताया कि DYS और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त सहयोग से ओरेन ब्यूटी इंस्टीट्यूट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 111 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ऋतु अग्रवाल ने कहा कि हमारी ये छोटी सी पहल अगर किसी के काम आती है तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। रक्तदान महादान होता है। विश्व के तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शरीर में लगने वाले कृत्रिम अंग तो बना लिए हैं, लेकिन वो आज भी रक्त नहीं बना सके। ईश्वर ने इसे बनाने के लिए केवल मानव शरीर ही निर्मित किया है। रक्तदान करने से व्यक्ति को अनेक फायदे होते हैं। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए संस्था से जुड़े विद्यार्थियों ने शहर भर में घूम फिर कर रक्तदाताओं को एकत्रित किया और उन्हें समझाया था कि रक्तदान के क्या क्या लाभ होते हैं। यही कारण था कि रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक नजर आ रही थी। यहाँ आने वाले अतिथियों ने साथ ही अन्य मेहमानों के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर तमाम रक्तदाताओं ने रक्तदान कर एक बड़ा सहयोग दिया है। इसका उद्देश्य यही था कि हमने कोरोना काल में देखा है लोगों को, परिवारों को ब्लड के लिए तरसते हुए किस तरह उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। तो आज 14 फरवरी का दिन था, पुलवामा में सैनिकों की शहादत के ज़रिए हमने यही सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमने 50 यूनिट का टारगेट रखा था कि 50 यूनिट हमारी टीम और स्टूडेंट्स मिल के उस तरह से देंगे। बट हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस टाइम 100 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो चुका है और अभी भी चल रहा है। तो उद्देश्य उसके पीछे यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम यही चाहते, हमें यही बताया गया था कि एक इंसान अगर ब्लड देता है तो उससे 3 लोगों की जान बचती है। तो वही चीज़ हमने टीम को और बच्चों में और आसपास के बहुत सारी हमने समाज में, बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने घूम घूम के उस चीज़ की जागरूकता फैलाई और आज ब्लड डोनेशन हुआ। इनका फ़ायदा अवश्य ही जिन लोगों को ब्लड चाहिए, जिन लोगों को हमने उनके सहयोग से, दामोदर युवा संगठन है रेड क्रॉस की सहायता से वो संचालित करते हैं और वो फ्री निशुल्क ब्लड उपलब्ध भी करवाते हैं। किसी को ज़रूरत होगी तो उनके पास से जाके कभी भी उनको फ़ोन करके निःशुल्क ब्लड ले सकते हैं। हमने उन्हीं की सहायता से, क्योंकि उन्होंने हमें समझाया कि इस तरह से बहुत सारे लोगों को ब्लड चाहिए रहता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं या फिर किसी को प्लाज्मा की नीड पड़ती है, किसी को ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो होंगे। और ब्लड डोनेशन के फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, मेनली हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट है। उसी को उद्देश्य में रखते हुए हमने ये ब्लड डोनेट कैंप करवाया। ये कैंप ओरेन इंटरनेशनल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। DYS ब्लड कॉल सेंटर और ओरेन इंटरनेशनल ने टाई अप करके ये ब्लड कैंप लगाया है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था लोगों की मदद करने के लिए, बहुत ही अच्छा सोशल कॉज था ये, और हम सब भी इस कैंप का पार्ट रहे। हमें बहुत खुशी मिली इस कैंप के लिए काम करके। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आगे से ब्लड डोनेट करना है, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है सबकी मदद करने में। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं, हमें जानकर बहुत खुशी मिली। मैं आपको बताऊंगी, एक 17 साल का बच्चा था, उसको बहुत था कि उसको ब्लड डोनेट करना है, पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 18। वो आया और वो पूछने लगा कि क्या मैं कर सकता हूँ ब्लड डोनेट। मैंने बोला आप जाओ, आप डॉक्टर से ऊपर कंसल्ट करो, एंड ही वॉज एलिजिबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, एंड उसको बहुत अच्छा लगा। एंड या उसको अच्छा देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में प्रवेश अग्रवाल, डायरेक्टर ऋतु अग्रवाल, सेंट्रल मैनेजर शैलजा कांबले ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आयोजन में साक्षी मेहता, अंजलि चिमनानी, श्याम वर्मा, प्रवीण सेन, पूजा पवार, मुस्कान थदानी, खुशबू नारोलिया, नेहा एवं तमाम सहयोगी गण उपस्थित थे। दोपहर न्यूज़ के लिए कैमरामैन विशाल लश्करी के साथ शेखर राठौर की खास रिपोर्ट।